आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिससे हमारे जो है छात्रों को और बेरोजगार युवकों को फायदा हुआ। 9 से 9 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, एक भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। नीट की परीक्षा हुई, उसके भी पेपर लीक आउट हुए। इससे स्पष्ट है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो है नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती। अगर बाबा का बुलडोजर ग्रह समाज की बसी हुई आधी डिसमिल से कम जमीन पर जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी कमाई लगा दिया हो उस पर कार्रवाई करने में उनको हिचक नहीं है, उसको उजाड़ने में हिचक नहीं है, तो इतने जो पेपर लीक हुए हैं इसमें संलिप्त लोग हैं, उनको अधिकारी हैं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? अगर ये न्यायप्रिय सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र की सरकार है, तो अगर परीक्षा पहली या पेपर लीक पहले से शुरू हो गया होता तो आज यह दिन जो है हिंदुस्तान के नौजवानों को देखने को नहीं मिलता। इस सभी परीक्षा लीक और पेपर लीक के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी को उठ कर खड़ा करने के लिए क्यों ये सब लगाऊंगा? हम तो भाजपा के जो नीति है जो देश हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, छात्राओं के हित में नहीं है, उसको हटाने के लिए हम चुनाव लड़े हैं ना। और जनता ने जो जनादेश दिया है वो भले ही जोर गणित सरकार बना ली हो लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के कभी भी देश में गठबंधन की सरकार रही है वो उसका हर्ष राप जानते हैं। इस देश के पक्ष और विपक्ष दोनों जिसको मानने वाले लोग थे, हमारे भी नेता आदि मुलायम सिंह यादव जी भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार न माने लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से किसी को खिलाफत नहीं थी। लेकिन ये देश जो है अनेकता में एकता का देश है, इस देश में सबको समान रूप से अपने अपने धर्मों को आधार पर जीने का अधिकार है। हम किसी पर कुछ थोप नहीं सकते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम अपना धर्म थोप नहीं सकते, उसको स्वतंत्रता है। भारत का जो संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने अपने तरीके से रहने और खाने पीने का अधिकार है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार जो है 10 वर्षों तक लगातार जहर घोलती रही हिंदू मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर। आज जो है कम से कम हिंदुस्तान की जनता ने ये बताने का काम किया है कि हम जो है आपके एजेंडे के खिलाफ हैं, आपके हम जो है मंसूबे हैं उसके खिलाफ हैं। हम जो है एक अगर वाराणसी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो भी धार्मिक स्थल पर उन्होंने चर्चाएं की है और जिस पर उन्होंने सरकार बार बार जो है उसको वोट के रूप में बदलने का काम किया है, इस बार हर जगह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो हिंदुस्तान पर चर्चा में आते हैं, भगवान राम के जन्म शीर्ष ले लीजिए, तो वहाँ पर भगवान राम के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आती है और समाजवादी पार्टी के अवधेश जी चुनाव जीतते हैं। चित्रकूट में आप देख लीजिए, आप जहाँ माता जी का स्थान है हम लोग जाते हैं झांसी से आगे, वहाँ देख लीजिए जहाँ जहाँ इन्होंने धर्म का उपयोग किया है। ये देश की जनता ने यह बताया कि देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा और संविधान के मानने वाले लोगों ने जो है विपक्ष को जो है वोट देने का काम किया और इतनी संख्या बल उन्होंने देने का काम किया है। बिल्कुल सही कहे, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है नहीं, ये तो एनडीए की सरकार है, तमाम घटक दल हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन जो भी घटक दल हैं उनके अनुरूप जो है भारतीय जनता पार्टी चलने का नहीं काम करेगी और विपक्ष जो है ऊपर हमेशा जो है अंकुश लगाए रखेगा, इसलिए कि विपक्ष जो है 10 वर्षों में
2014 जो हो जाए इसके बाद जो है सबसे मजबूत विपक्ष आज जो है मिला है। अब विपक्ष किसी भी उनके निर्णय को जो देश हित में नहीं होगा उस पर हम जो है अपने बातों को सदन के माध्यम से रखेंगे और सरकार को हम चलने नहीं देंगे। तो चाहे आप केंद्र सरकार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव पे समय से नहीं होगा, यहाँ भी जो है सरकार उत्तर प्रदेश की भी गिरेगी। ये तो संभालते रहते हैं, कभी किसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, कभी किसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, शाम को कोई और कहेंगे, सुबह कुछ और कहेंगे, उसी तरह से केंद्र सरकार में है।